हेलो एंड वेलकम बैक टू गेट एडमिशन, माय सेल्फ हिमांशु और आज आपका फिर से स्वागत करता हूँ कॉलेज रिव्यू की एक नई वीडियो में। तो आज हम जिस कॉलेज के बारे में बात करने वाले वो है आईक्यू का एक बहुत ही जाना माना फेमस कॉलेज, गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, GTBIT। तो बात करेंगे इस कॉलेज की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में, कहाँ से ये अप्रूव्ड है, कहाँ से ये एफिलिएटेड है, तो वो तो आप सबको पता है कि आईक्यू से एफिलिएटेड है। तो उसके अलावा बेसिक इन्फॉर्मेशन, यहाँ की फीस स्ट्रक्चर, रैंकिंग, प्लेसमेंट और आपका एडमिशन प्रोसेस, डायरेक्ट एडमिशन प्रोसेस जो सबसे जरूरी होता है, और इसके अलावा आपकी कुछ स्कॉलरशिप एंड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी, ये सभी बातों के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि आपको बीटेक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन अब यहीं मिलने वाली है। तो नीचे लाल कलर के बटन को प्रेस करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कॉलेज के कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो 99 में एस्टैब्लिश हुआ था, ये एक प्राइवेट कॉलेज है, रोहिणी न्यू दिल्ली में ये लोकेटेड है। और अगर हम बात करें इस कॉलेज की एफिलिएशन और अप्रूव्ड के बारे में तो AICTE से अप्रूव्ड है और GGSIQ यानी गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से ये एफिलिएटेड है। हाँ, आईक्यू दिल्ली का नाम आ जाता है वो कॉलेज अपने आप में ये खास बन जाता है। तो आप लोगों को परेशानी की कोई बात नहीं कि डिग्री कहाँ की मिलने वाली है, तो आईक्यू से आपको डिग्री मिलेगी, आप इस कॉलेज से अच्छे से अपनी बीटेक कर सकते हैं। आपको सारी स्ट्रीम जो आप लोगों को चाहिए, CSE, IT, ECE, इलेक्ट्रॉनिकल, इलेक्ट्रिकल, तो ये सारी स्ट्रीम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, इवन मैकेनिकल, सिविल, मतलब स्ट्रीम सारी है। आप लोगों को मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स का जो मन होता है वो इन टॉप मोस्ट स्ट्रीम्स में होता है, तो इसलिए मैं उन्हीं के नाम ज्यादा लेता हूँ। तो ऐसा मत सोचना कि यहाँ पे स्ट्रीम नहीं है। तो इस कॉलेज का जो स्पेशलाइजेशन है वो बीटेक ही है, सबसे ज्यादा ये बीटेक की वजह से ही फेमस है, इसलिए ये कॉलेज अपने आप में एक खास बन जाता है। रैंकिंग के बारे में बात करूं तो 6.3 आउट ऑफ 10 इसको रैंकिंग मिली हुई है। और अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर और यहाँ का एडमिशन प्रोसेस के बारे में, तो आपकी जो एक साल की फीस रहने वाली है वो 97,800 आपकी फीस रहने वाली है। और अगर हम मैं बात करूं एलिजिबिलिटी की, तो आपके 75% से अबव 12th में मार्क्स होने चाहिए, प्लस आपका JEE मेन का एग्जाम आपको दिया होना चाहिए, तब आप एलिजिबल है इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। अगर आपको यहाँ पे एडमिशन लेना है तो JEE मेन की जो IPU की CET की काउंसलिंग होती है उसके थ्रू आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। IPU की जो काउंसलिंग होती है वो 3 राउंड में होती है, 3 राउंड में अगर आपका नंबर आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कुछ कह नहीं सकते। लाइक अगर आपको CSE चाहिए तो आपको वो नहीं मिल पा रही है, तो उस चीज के लिए गेट एडमिशन आपकी हेल्प करता है। तो अगर आप अपनी मनपसंद स्ट्रीम नहीं चुन पा रहे हैं किसी भी कॉलेज में, तो आप गेट एडमिशन को अप्रोच कर सकते हैं। गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करता है आपके मनपसंद कॉलेज में आपका एडमिशन कराने में। तो बेफिक्र होकर गेट एडमिशन के नंबर पर कॉल करें जो नीचे स्क्रीन पर दिया गया है, या फिर मेल ID पे मेल करें जो कि डिस्क्रिप्शन में है। तो उससे आपको क्या होगा कि आपके सारे डाउट्स जो है क्लियर हो जाएंगे और आपको जो कॉलेज पसंद आ रहा है, जो स्ट्रीम पसंद आ रही है, उसमें आप एडमिशन ले पाएंगे। तो बेफिक्र होकर जल्दी से जल्दी कॉल करें और अपना एडमिशन बुक करा लें, या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप हमें बता सकते हैं आपकी क्या क्वेरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस कॉलेज की प्लेसमेंट के बारे में। तो प्लेसमेंट की अगर मैं आपको बात करूं ऑफ कैंपस और ऑन कैंपस, ऑन कैंपस इसकी जो प्लेसमेंट है वो 20 लाख 25 लाख भी है, और ऑफ कैंपस इसकी, और ऑफ कैंपस इसकी जो स्टूडेंट्स की प्लेसमेंट गई है वो 32 लाख तक भी गई है। तो और इसका जो एवरेज पैकेज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा वो 4 से 5 लाख के बीच आपको यहाँ का एवरेज पैकेज देखने को मिलेगा। टॉप कंपनीज भी यहाँ की जो अच्छी खासी अमेजोन हो गई, इस तरीके की सारी जो कंपनियाँ हैं वो यहाँ पे अपनी प्लेसमेंट के लिए आती रहती है हर साल, तो आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है प्लेसमेंट की थ्रू। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सिर्फ स्कॉलरशिप के बारे में। स्कॉलरशिप में बताऊँ तो आपको यहाँ पे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, आपको लो बैकग्राउंड जो जिसका होता है उनकी स्कॉलरशिप, स्पोर्ट्स के थ्रू भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है। और IPU की सबसे खास बात मैंने आपको बता ही रखी है कि अगर आपकी मेरिट है, मतलब आपके अच्छे खासे मार्क्स आपके कॉलेज पीरियड में आते रहते हैं, यानी फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, सभी सेमेस्टर में, तो आपको आपकी आधी कॉलेज फीस तो स्कॉलरशिप में वापस मिल जाती है। तो आपको बेफिक्र होकर इस कॉलेज को चूज कर सकते हैं। जो परेशानी आपको आने वाली है वो आने वाली है एडमिशन से रिलेटेड। तो गेट एडमिशन आपकी पूरी हेल्प करेगा आपका एडमिशन आपके मनपसंद कॉलेज में कराने में, डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाएगा। तो बेफिक्र होकर इस कॉलेज को चूज करें और गेट एडमिशन को कॉल करें। तो इस कॉलेज की अगर मैं आपको कुछ एट द एंड फैसिलिटीज के बारे में बताऊं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, तो लाइब्रेरी, कैंटीन, स्पोर्ट्स, लैब्स, कंप्यूटर एडिड फैसिलिटीज आपको यहाँ पे सारी देखने को मिलेगी। लैब्स आपको मतलब भरी भरी देखने को मिलेंगी। तो ये सभी चीज़ें, फैकल्टी यहाँ की अच्छी है काफी, आपको एक इंडस्ट्री एक्सपोजर अच्छे से देगी, आपका अच्छा करियर बनाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आप लोगों ने देख लिया वीडियो फोटोज के थ्रू, तो इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि इसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है। एंड इस वीडियो के लिए और इस इन्फॉर्मेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो कमेंट सेक्शन में हमें बता देना कि कैसी लगी वीडियो, कैसी इन्फॉर्मेशन लगी, कुछ और अपग्रेड करना है तो आप हमें बता सकते हैं, और मोस्ट वेलकम है आपके कमेंट्स, हम जरूर पढ़ेंगे, रिप्लाई करेंगे।
एंड इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, धन्यवाद।